This call is now being recorded. अच्छा सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज आ रही है ना ठीक है तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन जैसा आपको पता है हम लास्ट क्लास में मैनशूरेशन यानी कि क्षेत्र मिति का अध्ययन कर रहे थे और हमने उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट सीखा भी था तो क्या कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट क्लास में किया था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण या फिर यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन तो हमने देखा था कि लंबाई की इकाइयां क्या -क्या -क्या -क्या, क्या 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 होती है मिलीमीटर होती है सेंटीमीटर होती है मीटर होती है या फिर किलोमीटर होती है तो हमने मेनली इन चारों यूनिट्स के बारे में पढ़ा था इसके अलावा हमने दो यूनिट्स और देखी थी हमने देखा था कि फीट भी हो सकती है लंबाई की इकाई और इंच भी हो सकती है लंबाई की इकाई तो हमने मेनली इन छह यूनिट्स के बारे में पढ़ा था फिर हमने उनका आपस में कन्वर्जन भी देखा था या फिर उनका रूपांतरण देखा था मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं या फिर मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं तो उससे रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ लिया था तो चलिए जो हमने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो अभी सबको आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है कोई भी बच्चा कमेंट में इसका आंसर नहीं करेगा कोई भी बच्चा कमेंट में इसका आंसर नहीं करेगा कोई भी बच्चा कमेंट में इसका आंसर नहीं करेगा सभी बच्चों को पोल सेक्शन में ही आंसर करना है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर पोल सेक्शन में पोल सेक्शन अभी आपका पोल सेक्शन में अभी क्वेश्चन आ जाएगा आप पोल सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हैं आप पोल सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यदि एक रस्सी की लंबाई सात मीटर तथा दूसरी रस्सी की लंबाई हमें दी हुई है तीन सौ सेंटीमीटर तो दोनों रस्सियों की हमें कुल लंबाई देखनी है दोनों रस्सी की हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है ऑप्शन हुए हैं आपको पहला दस मीटर दूसरा दस सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन है 703 मीटर और चौथा ऑप्शन है 703 सेंटीमीटर सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था बहुत ही आसान क्वेश्चन है ध्यान से करना है किसी को जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करनी है किसी को भी जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करनी है बहुत ही ध्यान से करना है हमें दो रस्सी दी हुई है जिसमें से एक की लंबाई सात मीटर तथा दूसरी रस्सी की लंबाई दी हुई है तीन सौ सेंटीमीटर और हमें दोनों रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऑप्शंस को यूनिट्स को ध्यान में रखना है यूनिट्स में कोई बच्चे गड़बड़ी नहीं करते जल्दी में यूनिट्स का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जल्दबाजी में यूनिट्स में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा द लेंथ ऑफ ए रोप इज सेवन मीटर एंड लेंथ ऑफ अदर रोप इज थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर टोटल वेरी गुड काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे हम बीस सेकेंड और वेट करेंगे फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बीस सेकेंड और वेट करते हैं फिर इसे सोल्व करेंगे काफी आसान क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है और काफी बच्चों ने अब सही जवाब दिया है काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है यस yes, सुभ कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आपने हैंड हैंड्रेस किया है अगर आपका कोई डाउट है तो हम इस क्वेश्चन के बाद आपके डाउट पे आएंगे ठीक है दस सेकंड और वेट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दस सेकंड और वेट करते हैं हमें दो रस्सी दी हुई है जिसमें से एक की लंबाई सात मीटर दी हुई है तथा दूसरी रस्सी की लंबाई तीन सेंटीमीटर दी हुई है वेरी गुड काफी बच्चों का आंसर आ गए जल्दी से अगर किसी बच्चे ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है तो अपना आंसर करेंगे सभी बच्चे जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है फाइव सेकंड और वेट करते हैं फाइव फोर थ्री टू वन टाइम्स ऑफ अभी मैं पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूं अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो वो कॉमेंट में अपना आंसर कर सकता है अगर कोई बच्चा गलती से पोल सेक्शन में आंसर पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट में आंसर कर सकता है ठीक है तो हम क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें दो रस्सी दी हुई है जिसमें से एक रस्सी की लंबाई है सेवन मीटर और दूसरी रस्सी की लंबाई दी हुई है तीन सौ सेंटीमीटर तो हमें दोनों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है अब आपने देखा होगा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूनिट्स के बारे में लंबाई की इकाइयों के बारे में अगर अब आप यहां देखोगे तो हमें पहली रस्सी की लंबाई दी हुई है सात मीटर यह मीटर में है और दूसरी रस्सी की लंबाई दी हुई हमें तीन सेंटीमीटर यह सेंटीमीटर में है और हमसे कुल लंबाई पूछी है तो यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम कुल लंबाई कब निकाल सकते हैं जबकि दोनों ही रस्सियों की लंबाई की यूनिट सेम हो दोनों रस्सी की लंबाई की यूनिट समान होनी चाहिए अब या तो दोनों रस्सियों की यूनिट मीटर में हो सकती है या सेंटीमीटर में हो सकती है तो हमारे पास अब दो मेथड थे हमने देखा था या तो हम इस मीटर को जो हमें यहां मीटर दिया हुआ है इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखू रस्सी वन की लंबाई रस्सी वन यह है सेवन मीटर और अगर मैं यहाँ लिखू रस्सी टू तो यह हो गया हमारा तीन सौ सेंटीमीटर अभी मैं रस्सी टू को रस्सी टू की लंबाई को मीटर में सॉल्व करना चाहता हूं क्योंकि यह मीटर में है तो मैं इसे भी मीटर में ही मीटर में ही कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो कन्वर्जन में कि एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं कोई बच्चा कमेंट में बताएगा एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं क्या कोई बच्चा बता सकता है कमेंट में वेरी गुड एक वेरी गुड एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं वेरी गुड एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं यह आपने पिछली क्लास में पढ़ा था या फिर मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं उल्टा कि सौ सेंटीमीटर में एक मीटर होता है एक ही बात है या तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं या फिर सौ सेंटीमीटर में एक मीटर होता है तो मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं कि सौ सेंटीमीटर में एक मीटर होता है और हमें कितने निकालने हैं 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो मैं 300 सेंटीमीटर के लिए क्या करूंगा यहाँ 100 को तीन से गुणा कर दूंगा तो, तो अगर मैं यहां 100 को तीन से गुणा कर देता हूं 100 गुणा तीन सेंटीमीटर तो यहां भी मैं तीन से गुणा करूंगा दोनों तरफ तो यहां हो जाएगा एक गुणा और मीटर का मीटर आ जाएगा एक गुणा मीटर तो यहाँ क्या हो जाएगा तीन सेंटीमीटर बराबर तीन मीटर तीन सौ सेंटीमीटर बराबर तीन मीटर तो हमारी रस्सी दो की लंबाई क्या यह हमारी रस्सी दो की लंबाई हो जाएगी यह आ हमारी रस्सी दो की लंबाई रस्सी दो की लंबाई कितनी आ गई है तीन मीटर। और रस्सी एक की लंबाई कितनी थी सात मीटर यह तो हमें दिया ही हुआ था तो दोनों की कुल लंबाई क्या होगी दोनों की अगर मैं बात करूं कुल लंबाई की तो सात मीटर प्लस तीन मीटर तो यह आ जाएगी हमारी टेन मीटर यह आ हमारी टेन मीटर तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा मीटर है तो यह हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा जल्दबाजी में किसी बच्चे ने क्या किया है कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में टेन उनका आंसर तो आ गया लेकिन उन्होंने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने टेन सेंटीमीटर को मार्क कर दिया जो कि गलत आंसर होगा सही आंसर क्या होगा टेन मीटर सभी बच्चों को यह समझ में आया कि कैसे आया टेन मीटर बहुत ही आसान क्वेश्चन था सभी बच्चों को समझ में आया कि ये टेन मीटर कैसे आया ठीक है वेरी गुड ठीक है अगर सभी बच्चों को ये समझ में आया तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अब अब हम आज के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ये हमारा टेन मीटर इसका आंसर हो गया करेक्ट आंसर तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट्स ऑफ एरिया एंड देयर कन्वर्जन अभी तक हमने पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका कन्वर्जन या फिर उनका रूपांतरण आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण क्षेत्रफल की क्या क्या इकाइयां होती हैं और उनका हम रूपांतरण कैसे करते हैं तो देखिए क्षेत्रफल की हमारी जैसे कि लंबाई की, की इकाइयां होती थी हमारी लंबाई की इकाइयां होती थी मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर या फिर हमारा किलोमीटर तो हमारी क्षेत्रफल की इकाइयां क्या क्या होती है वर्ग मिलीमीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर या फिर हेक्टेयर अगर आप देखोगे तो लेंथ की यूनिट्स या फिर मैं कहूं लंबाई की इकाइयां और एरिया की यूनिट्स या फिर मैं कहूं क्षेत्रफल की इकाइयों में क्या अंतर है तो यहाँ पे वर्ग एक्स्ट्रा है यहाँ पे सभी इकाइयों में वर्ग एक्स्ट्रा है तो क्षेत्रफल की इकाइयां हमेशा आपको वर्ग में ही मिलेंगी या फिर अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो स्क्वायर में मिलेंगी आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मिलीमीटर का स्क्वायर है या सेंटीमीटर का स्क्वायर है या मीटर का स्क्वायर है या किलोमीटर का स्क्वायर है तो हमेशा आपको क्षेत्रफल की इकाइयां जो मिलेंगी वो स्क्वायर में या फिर वर्ग में मिलेंगी एक यूनिट होती है क्षेत्रफल की हेक्टेयर जो स्क्वायर में नहीं होती यह क्षेत्रफल की एक यूनिट होती है जिसे हम सिंपल हेक्टेयर बोलते हैं यह वर्ग में नहीं होती मतलब ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता हेक्टेयर का स्क्वायर यह ऐसे नहीं होती यह ओनली हेक्टेयर ही होती है तो अगर कहीं आपको हेक्टेयर लिखा दिखे तो आप समझ जाना कि वो क्षेत्रफल की ही यूनिट है और अगर कहीं पे आपको किसी भी मिलीमीटर पे या तो स्क्वायर दिखे या सेंटीमीटर पे स्क्वायर दिखे मीटर पे किलोमीटर पे तो वो सभी क्षेत्रफल की इकाइयां होती है या फिर एरिया की यूनिट होती हैं अब हम पढ़ेंगे कि इन्हें आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं यानी कि अगर मुझे मिलीमीटर स्क्वायर को या फिर वर्ग मिलीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा जैसे हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ देखा था या फिर हमने एक लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण देखा था उसी तरीके से हम क्षेत्रफल की इकाइयों का भी रूपांतरण देखेंगे अच्छा, अच्छा हम कुछ देखते हैं दैनिक जीवन से आखिर जैसा हमने लंबाई की इकाइयों में देखा था कि हम मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर को कहा यूज करते हैं दैनिक जीवन में उसी तरह से हम क्षेत्रफल की इकाइयों को कहाँ पे यूज करते हैं क्षेत्रफल की इकाइयां भी किस किस तरह से होती हैं अच्छा उससे पहले एक बात और जैसा कि आप मैंने आपको बताया था कि मिलीमीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है फिर उससे बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर उससे बड़ी यूनिट होती है मीटर और उससे भी बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर सेम उसी तरीके से मिलीमीटर स्क्वायर एक छोटी यूनिट होती है फिर उससे बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर फिर उससे बड़ी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और उन सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर स्क्वायर तो सेम ये भी बढ़ते हुए क्रम में ही होती हैं यूनिट्स तो इनका हम दैनिक जीवन में कहा उपयोग करते हैं आइए अब हम वो देखते हैं मान लीजिए ये कोई आपका एक पेपर है ये कोई आपका एक पेपर है क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होता है तो जनरली हम इसका क्षेत्रफल किस में निकालते हैं इसका क्षेत्रफल या तो मिलीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं उसी तरीके से आपने देखा होगा ये चैस बोर्ड देखा होगा या फिर इसे हम हिंदी में शतरंज भी कहते हैं आप सभी ने शायद खेला भी होगा या फिर कहीं ना कहीं देखा तो होगा तो क्योंकि यह भी बहुत बड़ा नहीं होता है तो इसलिए हम इसकी यूनिट इसके क्षेत्रफल को भी मिलीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मापते हैं उसके अलावा क्या उदाहरण होते हैं उसके अलावा या तो आपने ये घास का इस तरीके से कोई मैदान भी देखा होगा मान लीजिए ये कोई घास का मैदान है तो क्योंकि यह बहुत छोटा भी नहीं है और यह बहुत बड़ा भी नहीं है तो इसे हम जनरली मीटर स्क्वायर में मापते हैं जनरली इसे हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं क्योंकि ये पेपर या फिर चेस बोर्ड के आकार से तो बड़ा है काफी तो इसलिए हम इसे अगर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में मापेंगे तो बहुत बड़ी ही एक संख्या आ जाएगी तो इसलिए हम इसे मीटर स्क्वायर में मापते हैं उसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी एक घने जंगल की या किसी एक बड़े वन की तो क्योंकि उस वन या जंगल का एरिया तो बहुत बड़ा होता है तो अगर हम उसे मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में मापने जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी तो इसीलिए हम इसे किलोमीटर स्क्वायर जो कि बड़ी यूनिट होती है हम किलोमीटर स्क्वायर में इसे मापते हैं ठीक है तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो स्क्वायर आता है यूनिट्स में मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल की यूनिट्स में वर्ग आता कहां से है क्षेत्रफल की यूनिट्स में वर्ग आता कहां से है तो इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे हमें एक उदाहरण दिया हुआ है एक वर्ग दिया हुआ है यह इस जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं तो हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अच्छा आप इस वर्ग से और इस वर्ग से कंफ्यूज ना हो यह वर्ग जो होता है यह पावर वाला वर्ग है जो हम यूनिट के ऊपर लिखते हैं ना ये टू लिखते हैं जो यह वर्ग जो बात कर रहा हूं मैं यूनिट में यह पावर वाला वर्ग है यह पावर वाला वर्ग है जबकि जो यह वर्ग है यह स्क्वायर यानी कि आकृति आपने पढ़ी होगी यह इस तरह की जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं यह आकृति वाला वर्ग है ठीक है तो यह आपको कमेंट में इसका आंसर करना है अगर किसी बच्चे को यह नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं अगर किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला नहीं पता मैं फॉर्मूला बता देता हूं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा भुजा गुणा भुजा या फिर अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलू तो साइड इंटू साइड यह सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है हमें एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा की लंबाई दी हुई है तीन सेंटीमीटर जिसकी भुजा की लंबाई दी हुई है तीन सेंटीमीटर तो हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा क्या कोई बच्चा बता सकता है कॉमेंट सेक्शन में इसका एरिया क्या होगा क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा यह जो एरिया यह जो हमें वर्ग दिया हुआ है इसका एरिया क्या होगा क्या कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है इसका एरिया क्या होगा क्या कोई बच्चा इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकता है कि एरिया क्या होगा बारह का अच्छा यूनिट भी लिखनी है यूनिट भी यूनिट भी लिखनी है सभी बच्चों को सभी बच्चों को यूनिट भी लिखनी है बारह क्या होगा बारह सेंटीमीटर होगा बारह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्या होगा ठीक है काफी बच्चे सेंटीमीटर लिख रहे हैं चलिए देखते हैं इसका एक क्या होगा तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था देखिए कि क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा किस में आती है वर्ग में आती है मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो इसकी यूनिट जनरली वर्ग में आती है तो ये वर्ग में आती कैसे है वो देखते हैं देखिए अब हमें इसी के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि हमें एक वर्ग दिया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसकी एक भुजा दी हुई है तीन सेंटीमीटर तो देखिए मैं उसका आपने शायद पढ़ा होगा या किसी को नहीं भी आता हो तो मैं बता देता हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या फिर साइड गुणा साइड तो चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो भुजा गुणा भुजा क्या होती है भुजा का मान दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर तो मैंने किया तीन सेंटीमीटर गुणा तीन सेंटीमीटर अब देखिए तीन का मैंने तीन से गुणा किया तो यह तो आ गया तीन गुणा तीन नौ और फिर मैंने सेंटीमीटर का गुणा किया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का गुणा किया सेंटीमीटर से तो क्या आएगा जैसे कि आपको पता होगा एक्स गुणा एक्स करने पे क्या आता एक्स स्क्वायर या फिर हम इसी को देख ले कि ये तीन और ये वाले तीन को हमने गुणा किया तीन गुणा तीन तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं इसे तीन का स्क्वायर और फिर यह आता है नौ ऐसे ही हम कोई भी ले, वाई गुणा वाई लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं वाई का स्क्वायर इसी तरीके से क्या होता है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर करें तो यह आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या जाएगा तीन सेंटीमीटर गुणा तीन सेंटीमीटर दिया है तो तीन गुणा तीन, तीन तो हो जाएगा नौ और यह सेंटीमीटर गुणा यह सेंटीमीटर क्या हो जाएगा नाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा नौ वर्ग सेंटीमीटर या फिर नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर तो आप सभी बच्चों को यह समझ में आया कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर किया तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर आया बिल्कुल यहां पे आपको एग्जाम्पल कराने का पर्पज यह था कि आखिर ये हम वर्ग आता कहां से है यह वाला वर्ग जो आता है तो क्षेत्रफल में भी दो यूनिट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा हो जाता है जैसे यहां सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर का हुआ किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या कि अनम्यूट किया था अगर कोई डाउट नहीं है तो आप अपने आप को म्यूट पे रखेंगे चलिए यह तो हमने सीखा कि आखिर यह वर्ग आता कहा है क्षेत्रफल की यूनिट्स में अब हम अगले उदाहरण में यह सीखेंगे कि आखिर हमें इनकी जरूरत क्या पड़ रही है मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने की या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदलने की तो इन्हें आपस में बदलने की जरूरत क्या है तो अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट उदाहरण दिख रहा होगा उदाहरण नंबर दो इसमें आपको दिया हुआ है एक आयत दिया हुआ है या फिर एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी एक साइड दी हुई है दो मीटर और दूसरी साइड दी हुई है आठ सेंटीमीटर आठ सेंटीमीटर तो इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो चलिए इसको भी पहले आप सोल्व करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे इसके क्षेत्रफल का मैं सूत्र लिख देता हूँ फॉर्मूला लिख देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर लेंथ गुणा ब्रेड तो इसे भी पहले एक बार आप ट्राई कीजिए आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर करना है अच्छा यूनिट्स भी साथ में लिखनी है यूनिट्स भी आपको साथ में लिखनी है यूनिट्स भी सभी बच्चों को साथ में लिखनी है कमेंट में हमें एक आयत दी हुई है जिसमें से एक भुजा उसकी लंबाई दी हुई है दो मीटर और उसकी चौड़ाई दी हुई है आठ सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई दी हुई है आठ सेंटीमीटर ठीक है और कोई बच्चा कमेंट में एक बार आप सॉल्व करके देखिए इसे एक बार आप इसे अपने तरफ से ट्राई करके दी ठीक है हमें आयत दी हुई है तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है देखिए अब अगर आप इसे देखेंगे तो हमें दी हुई है लंबाई बराबर दो मीटर लंबाई बराबर दो मीटर और चौड़ाई बराबर दी हुई है आठ सेंटीमीटर अब अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही लंबाई और चौड़ाई की यूनिट्स अलग अलग है लंबाई और चौड़ाई की यूनिट्स अलग अलग है यहाँ तो दिया हुआ है मुझे मीटर और यहां पे दिया हुआ है मुझे सेंटीमीटर और मेरा सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनका मान रखू तो लंबाई की जगह मैंने दो मीटर रख दिया और चौड़ाई की जगह मैंने आठ सेंटीमीटर लिख दिया तो अगर मैं यहाँ पे इसे सोल्व करूं तो आठ गुणा दो तो हो जाएगा सोलह लेकिन अब अब मेरा कंफ्यूजन या फिर अब मुझे प्रॉब्लम होगी कि मीटर सेंटीमीटर में क्या लिखू मीटर गुणा सेंटीमीटर में क्या लिखू तो यह चीज पॉसिबल नहीं होती है आप कि दो यूनिट्स को आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं अलग अलग यूनिट्स को तो इस तरीके से हम इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना होगा तो हमें क्या करना होगा जैसा हमने लंबाई की यूनिट्स में किया था आपको ध्यान हो तो हमने अभी रिकॉल टेस्ट भी किया था इसी तरीके का एक रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर थी और एक की लंबाई 7 मीटर थी तो हमने पहले इसे मीटर में चेंज पहले हमने इसे मीटर में चेंज किया था दोनों की यूनिट समान की थी फिर हमने उसे सॉल्व किया था तो इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इन दोनों की यूनिट्स को आपस में समान करेंगे फिर दोनों की यूनिट समान होने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं अब मैं इस मीटर को ये जो हमें लंबाई दी हुई है इस दो मीटर को इसे मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूं तो जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सौ एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो अच्छा कमेंट में आप बताइए जब एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो हमें यहाँ पर दिया हुआ दिया हुआ है दो मीटर तो दो मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे दो मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे वेरी गुड दो सो वेरी गुड तो दो मीटर में दो सौ सेंटीमीटर होंगे अब अगर आप देखोगे तो हमें यहां दिया हुआ यहां भी आठ सेंटीमीटर दिया हुआ है यह भी सेंटीमीटर है और यह भी सेंटीमीटर है तो अब मैं आसानी से इसे सॉल्व कर सकता हूं तो हमारी दो मीटर क्या था हमारा यहाँ पे ये यह लंबाई थी अच्छा अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं यह जो होता है यह आयत की लंबाई होती है यह वाली यह वाली आयत की लंबाई होती है और यह वाली आयत की चौड़ाई होती है तो यहाँ पे चौड़ाई का मान हमें कितना दिया हुआ है आठ सेंटीमीटर मैं फिर से एक बार यहां लिख देता हूँ चौड़ाई दी हुई है आठ सेंटीमीटर और लंबाई कितनी दी हुई थी हमें दो मीटर जो कि हमने यहां से निकाल ली है जो कि हमने यहां से निकाल ली है कितनी दो सेंटीमीटर अब चलिए अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई तो यह क्या हो जाएगा लंबाई हो गई 200 सेंटीमीटर लंबाई हो गई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर तो 200 सौ गुणा आठ होता है 1600 200 दो गुणा आठ हो गया 1600 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया से? सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा सोलह सो सेंटीमीटर स्क्वायर अब किसी बच्चे को यह कंफ्यूजन होगा कि सर हम इस सेंटीमीटर को भी तो मीटर में बदल सकते थे अभी हमने बदला है तो हम इस सेंटीमीटर को भी तो मीटर में बदल सकते थे बिल्कुल आप इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल सकते थे और फिर आपस में इनका गुणा कर सकते थे बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा आएगा क्षेत्रफल का उसमें वर्ग आएगा। वर्ग मीटर मीटर या या तो आप, या तो आप आप में सॉल्व करो तो वर्ग मीटर आएगा या फिर अगर आप सेंटीमीटर में सॉल्व करते हो जैसा हमने यहाँ पे किया है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा यह एग्जाम्पल समझ में आगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है यूनिट्स को कन्वर्जन को पढ़ने की कि हम आपस आग यूनिट्स का कन्वर्जन क्यों पढ़े यूनिट्स के कन्वर्जन को पढ़ने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है ठीक है वेरी गुड ठीक है वेरी गुड तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपस में इन यूनिट्स को कन्वर्ट करते कैसे हैं जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए अभी मेरा यहां पे यहां पे जो मेरा आंसर आया था वो आया था 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं चाहूं तो इसे डायरेक्ट यहीं से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं यहीं से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दू या फिर अगर मैं चाहूं तो मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दू तो इन्हें आपस में कन्वर्ट करते कैसे हैं तो अभी हम वही पढ़ेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमें मेनली तीन यूनिट्स दे रखी है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर तो इन्हें आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं अच्छा मैं एक पेज पे लेके आपको फ्रेश तरीके से बता देता हूं देखिए अगर आपको ध्यान हो अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि, कि लेंथ की यूनिट्स क्या होती है लेंथ की यूनिट होती है मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मैं मीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं मान लीजिए मुझे यह ज्ञात करना है कि एक मीटर स्क्वायर में मैं फिर से लिख देता हूं एक मिनट एक, एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे तो इसे मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं देखिए एक मीटर स्क्वायर सबसे पहले आपको यह देखना है ये बनके कैसे आया है एक मीटर स्क्वायर बना कैसे है एक मीटर स्क्वायर कैसे बना होगा एक मीटर गुणा एक मीटर अब एक गुणा एक तो यहां क्या आ जाएगा एक गुणा एक तो यहां पे हो गया एक और यह मीटर और यह मीटर गुणा से क्या बन गया एक मीटर स्क्वायर तो इस एक मीटर स्क्वायर को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं एक मीटर गुणा एक मीटर अब आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा था एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सौ सेंटीमीटर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सौ सेंटीमीटर तो मैं इस एक मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं सौ सेंटीमीटर और इस एक मीटर की जगह भी क्या लिख सकता हूं सौ सेंटीमीटर गुणा में सौ सेंटीमीटर और यह गुणा का चिन्ह जो था यह एज इट इज मैंने यहां लिख दिया है तो मेरा क्या आ जाएगा सौ सेंटीमीटर गुणा सौ सेंटीमीटर अभी सौ गुणा सौ कोई बच्चा बता सकता है यह सौ गुणा यह सौ, सौ कितना आएगा यह सौ गुणा सौ कितना आएगा कमेंट में कोई भी बच्चा बता सकता है सौ गुणा सौ, सौ कितना आएगा सौ गुणा सौ कितना आएगा हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड वेरी गुड दस हजार बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पे सौ गुणा कितना दस हजार और यह और सेंटीमीटर यह सेंटीमीटर गुणा यह सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा क्या आ गया फाइनली एक मीटर स्क्वायर हमारा कितना आ गया दस हजार सेंटीमीटर स्क्वायर दस हजार सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है दस हजार सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं अब इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट और देखते हैं आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर होते हैं दस मिलीमीटर एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं दस मिलीमीटर अभी मैं क्या कर रहा हूं अभी मैं एक सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलीमीटर स्क्वायर जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने मिलीमीटर mm स्क्वायर होंगे एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर mm स्क्वायर होंगे तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं इसको इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपको पता होगा एक सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बनता है एक सेंटीमीटर गुणा एक सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर में कितना होते हैं दस मिलीमीटर तो इस एक सेंटीमीटर की जगह मैं लिखता हूं दस मिलीमीटर गुणा का चिन्ह ऐसे के ऐसे और इस एक सेंटीमीटर की जगह भी मैं क्या लिखता हूं दस मिलीमीटर तो दस गुणा दस हो गया सौ मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर क्या हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर तो यह आ जाएगा हमारा एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सौ मिलीमीटर स्क्वायर यह समझ में आया अब आपको सभी को कि सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर और यह मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर आपको देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें हम यूज तो लेंथ की यूनिट्स का ही कर रहे हैं बस इसमें हम लेंथ की यूनिट्स को आपस में दो बार गुणा कर रहे हैं जैसे यहां मीटर को पहले हमने सेंटीमीटर में लिखा और उन्हें आपस में गुणा कर दिया और उसी तरीके से हमने यहाँ पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लिखा और फिर उन्हें आपस में गुणा कर दिया तो हम यूज तो यहाँ भी लेंथ की यूनिट्स को ही कर रहे हैं तो चलिए अब हम इस पेज पे चलते हैं इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमें यहाँ पे दी हुई है एक मीटर स्क्वायर यूनिट दी हुई है

और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए दस हजार से भाग करते हैं अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे इनके अलावा कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं पॉइंट नंबर फोर, यह भी इंपॉर्टेंट है कई बार क्या होता है कि आपका आंसर तो आ जाता है मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत है एक आयत है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई उसकी दी हुई है 200 मीटर तो अब उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे 300 मीटर गुणा दो मीटर तो आप इसे लिख देंगे साठ हजार मीटर स्क्वायर लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मीटर स्क्वायर की यूनिट ही नहीं दी होगी आपको यूनिट किसकी दी हुई होगी हेक्टेयर की तो आपको फिर इस मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना पड़ेगा इस मीटर स्क्वायर को आपको हेक्टेयर में बदलना पड़ेगा तो इसलिए आपको यह पॉइंट नंबर फोर भी याद होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में दस हजार मीटर स्क्वायर होते हैं यस yes, किसी बच्चे ने हैंड्रेज किया यस yes, आपका कोई डाउट है क्या जिस भी बच्चे ने हेंडरेज किया है आपका डाउट है क्या ठीक है अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड यस आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे कि आखिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदला देखिए मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदला फिर हमने उस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी आगे मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदला तो यह आप इस पेज का भी स्क्रीन ले सकते हैं चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ तो आपको क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यस बुक में है बिल्कुल ठीक है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है क्वेश्चन फोर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन सभी को पोल सेक्शन में जाके करना है सभी को पोल सेक्शन में, में जाके करना है पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बीस सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है अच्छा आराम से कीजिए क्वेश्चन देखिए इनमें क्या होता है कई बार जीरो में बहुत गलती हो जाती है तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है छह बज के सात मिनट हम इसे तीन मिनट का टाइम तीन मिनट के टाइम बाद सॉल्व करेंगे छह बज के दस मिनट पर सोल्व करेंगे इसे आप आराम से सॉल्व कीजिए कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए बीस सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है उसे हमें मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है उस आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आप देखिए कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए बीस सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं 200 मिलीमीटर स्क्वायर 20 मिलीमीटर स्क्वायर 2 मिलीमीटर स्क्वायर या फिर 2000 मिलीमीटर स्क्वायर सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा एक मिनट हो चुकी है हम दो मिनट और वेट करेंगे हम दो मिनट और वेट करते हैं कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा वेरी गुड वैसे काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है हमें क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसे हमें मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है छह बज के नौ मिनट हो चुकी हैं हम एक मिनट और वेट करते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे एक मिनट बाद इसे हम सॉल्व करेंगे अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं आपको यह देखना होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं यस सुबे कुमार नाम से जो बच्चा है आपका कोई डाउट है क्या सुबह कुमार नाम से जो बच्चा है आपका कोई डाउट है क्या देखिए हम 20 सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे 20 सेकंड और वेट करते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे 20 सेकंड और वेट करते हैं यस किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है अनुज नाम से जो बच्चा है आपने हैंड रेज किया है कोई डाउट है क्या देखिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप हैंडरेज नहीं करोगे दस सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे दस सेकंड और वेट करते हैं सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे देखिए अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन सही सॉल्व हो अगर गलत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम यहाँ पर अभी सीख ही रहे हैं लेकिन अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर आप सीखोगे भी नहीं आपको हमेशा ट्राई करना है कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो हमेशा सही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगर नहीं भी हो पा रहा है गलत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें हमारी कमी का पता लगता है जिससे कि हम उसे सुधार कर सके अगर क्वेश्चन यहाँ गलत हुआ हमने सीख लिया तो वो हमारा एग्जाम में गलत नहीं होगा तो इसलिए आपको क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना है क्वेश्चन हमेशा सोल्व करने की ट्राई कीजिए अभी तक नौ बच्चों का आंसर आया है अभी तक नौ बच्चों का आंसर आया है सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे अभी तक ओनली नौ बच्चों का आंसर आया है ठीक है मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में अभी अगर आप देखोगे तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं सौ तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं सौ मिलीमीटर स्क्वायर तो हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने हैं 20 तो मैं अगर यहाँ दोनों तरफ अगर मैं दोनों तरफ बीस का गुणा कर दू तो देखिए क्या आएगा अगर मैं इधर गुणा करता हूं एक सेंटीमीटर स्क्वायर से तो देखिए बीस सें बीस गुणा एक सेंटीमीटर स्क्वायर और मैं यहां भी बीस से गुणा करता हूं बीस गुणा सौ मिलीमीटर स्क्वायर मैंने कुछ नहीं किया मैंने बस इस रिलेशन में बीस से दोनों तरफ गुणा कर दिया है यह जो हमने रिलेशन पढ़ा था एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सौ mm मिलीमीटर स्क्वायर इसमें मैंने दोनों तरफ ही बीस से गुणा कर दिया है तो हमारा अब देखिए यहाँ सोल्व करते हैं तो क्या आएगा बीस गुणा एक क्या हो गया बीस और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर इसी तरीके से आप यहां देखोगे तो बीस गुणा सौ हो गया दो हजार और मिलीमीटर स्क्वायर का क्या आ गया मिलीमीटर स्क्वायर तो हमें देखिए ज्ञात भी यही करना था कि बीस सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे तो बीस सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे दो मिलीमीटर स्क्वायर तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन डी में ही 2000 मिलीमीटर स्क्वायर है तो यह yes, समझ में आया सभी को बहुत ही आसान क्वेश्चन था बहुत ही आसान क्वेश्चन था सभी बच्चों को यह समझ में आया कि यह सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदला गया बीस सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदला गया सभी बच्चों को यह समझ में आया या सभी आप कमेंट कर सकते हैं समझ में आया ना ठीक है वेरी गुड देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं आपको बस रिलेशन ध्यान रखना होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदला जाता है मिलीमीटर स्क्वायर को के किलोमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में तो आपस में इन सबको कैसे बदला जाता है ठीक है वेरी गुड अभी समझ में आया

तो दो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में हमें बदलना है देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है सिंपल सीधा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन पे है डायरेक्ट ही रिलेशन पे है सीधा रिलेशन पे है वेरी गुड काफी बच्चों ने आंसर किया है देखिए इसमें कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा बस जीरो आप एक दो जीरो इधर उधर नहीं हो जाए एक दो जीरो भी कम ज्यादा हो गए तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा अगर आपके एक दो जीरो भी इधर उधर हो गए तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा तो आप ट्राई कीजिए पहले रिलेशन देखिए कि क्या रिलेशन होता है आपस में हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर में आपस में क्या संबंध होता है और फिर उस दो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए फिर आप उस संबंध से दो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए काफी बच्चों के काफी बच्चे को आंसर आ रहे हैं वेरी गुड देखिए आपको क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करना है ऐसा नहीं हो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई नहीं कर रहा हो आप कोशिश कीजिए सही हो अगर सही नहीं भी हो पा रहा है गलत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप आज गलत करोगे तो आज आप सीखोगे जिससे कि आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा लेकिन अगर आप आज कोशिश नहीं करोगे तो फिर आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा वेरी गुड काफी बच्चों ने आंसर किया है और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है हम कुछ सेकंड और वेट करेंगे एक मिनट और वेट करते हैं एक मिनट और वेट करते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे क्या बात है हम इसे एक मिनट और वेट करते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दो हेक्टेयर है उसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट टू हेक्टेयर इंटू मीटर स्क्वायर तीस सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे तीस सेकंड और वेट करते हैं देखिए अभी तक दस बच्चों ने आंसर किए हैं अगर किसी बच्चे अगर कोई बच्चे ने आंसर नहीं किया है दो तीन बच्चे अभी रह रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है तो वो आंसर करेंगे सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में चाहे गलत ही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट दीजिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए चलिए दस सेकंड और वेट करते हैं फ्री से सॉल्व करेंगे दस सेकंड और वेट करते हैं क्वेश्चन गिवन है दो हेक्टेयर है उसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ठीक है और मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं अगर किसी कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया पोल सेक्शन में तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है लेकिन केवल वही बच्चा आंसर करेगा जो नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है दो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट टू हेक्टेयर इन मीटर स्क्वायर तो हमें आपस में इन दोनों का संबंध पता होना चाहिए हेक्टेयर का और मीटर स्क्वायर का कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है तो हमने देखिए पढ़ा था पहले कि हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर में क्या संबंध होता है अगर आप यहां से देखोगे तो आपने देखा था कि पॉइंट नंबर जो मैंने याद रखने को बोला था एक हेक्टेयर में कितने होते हैं दस हजार मीटर स्क्वायर है। एक हेक्टेयर में कितने होता तो एक कितना, एक होता है, एक कितना होता है दस हजार मीटर स्क्वायर तो इसी संबंध का हम यहाँ पे यूज करेंगे एक हेक्टेयर का कितना एक हेक्टेयर बराबर होता है एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है दस हजार मीटर स्क्वायर दस हजार मीटर स्क्वायर हमें यहाँ पर कितना निकालना है दो हेक्टेयर का निकालना है हमें यहाँ पर किसका निकालना है दो हेक्टेयर का अच्छा जो किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है अपने अपने आप प्लीज आपको म्यूट पे कर लीजिए अदरवाइज आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा विजेंद्र कुमार नाम से जो भी बच्चा है आप प्लीज अपने आपको म्यूट पे कर लीजिए विजेंद्र कुमार नाम से जो भी बच्चा है आप अपने आपको म्यूट पे कर लीजिए देखिए एक हेक्टेयर में हमने पढ़ा था कि एक हेक्टेयर में होता है दस हजार मीटर स्क्वायर हमें निकालना है दो हेक्टेयर में तो दो हेक्टेयर को क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ इसमें दोनों तरफ दो से गुणा करते हैं तो यहां पे हमने किया दो से गुणा दो गुणा एक हेक्टेयर दो गुणा एक हेक्टेयर बराबर दो गुणा दस हजार मीटर स्क्वायर विजेंद्र कुमार से जो भी बच्चा है आपको ये लास्ट वार्निंग दी जा रही है अगर आपने अब की बार अपने आप को अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा विजेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा है विजेंद्र कुमार आपको क्लास से निकाला जा रहा है ठीक है तो हमने यहाँ पे हम हमें निकालना था दो हेक्टेयर में तो दो हेक्टेयर को निकालने के लिए हमने दोनों तरफ दो से गुणा कर दिया तो यहाँ पे हो गया दो हेक्टेयर बराबर दो गुणा दस हजार कितना आ गया बीस हजार मीटर स्क्वायर यहाँ पे मीटर स्क्वायर ही तो था मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर गया तो कितना हो गया दो हेक्टेयर में बीस हजार मीटर स्क्वायर अब बीस हजार किसमें है देखिए ऑप्शन बी में बीस हजार है ऑप्शन बी में बीस हजार मीटर स्क्वायर है तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया यह सभी बच्चों को समझ में आया कि दो हेक्टेयर को मीटर में हमने कैसे कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में ऑप्शन बी हमारा समझ में यह सभी को समझ में आया कि बीस हजार कैसे आया ठीक है वेरी गुड ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है अच्छा क्वेश्चन है लेकिन यह अच्छा क्वेश्चन है आप इसमें अपना टाइम लीजिए प्रॉपर और इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए हमें दो आयताकार आकृति दी हुई है जिसमें से एक का एरिया दिया हुआ है दो मिलीमीटर स्क्वायर और दूसरी का दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर स्क्वायर तो सभी बच्चों को इसका पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे छ इक्कीस हुए हैं अभी हम छ चौबीस पे इसे सॉल्व करेंगे हम इसे छह चौबीस पे सॉल्व करेंगे छ चौबीस पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप आराम से अपना टाइम लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए हमें दो आकृति दी हुई है दोनों ही आयताकार आकृति हैं जिसमें से एक का क्षेत्रफल 200 मिलीमीटर स्क्वायर है और दूसरी का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल या फिर टोटल एरिया ज्ञात करना है कोई भी बच्चे जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा सभी बच्चे अपना टाइम लेंगे पेपर पेन का यूज करेंगे और फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे देखिए आपको संबंध देखना होगा कि मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को आपस में कैसे बदला जाता है मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को आपस में कैसे बदला जाता है 200 सौ एम स्क्वायर दिया हुआ है आपको एक एरिया और दूसरा एरिया दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरा एरिया आपको दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर स्क्वायर वेरी गुड बच्चों के आंसर आने लगे हैं और काफी बच्चों के सही आंसर हैं ज्यादातर बच्चों के सही आंसर हैं वेरी गुड सॉल्व सभी बच्चे करेंगे सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कोशिश कीजिए कि सही हो अगर गलत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सॉल्व सभी बच्चों को करना है सॉल्व सभी बच्चों को करना है सॉल्व सभी बच्चे करेंगे इसे आपको रिलेशन देखना है आपको संबंध देखना है कि मिलीमीटर स्क्वायर को और सेंटीमीटर स्क्वायर को आपस में कैसे बदला जाता है मिलीमीटर स्क्वायर को और सेंटीमीटर स्क्वायर को आपस में कैसे बदला जाता है देखिए छह तेईस हो गए हैं हम एक मिनट और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे तो जिन भी बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करें और अपना पोल सेक्शन में आंसर करें दो शेप्स गिवन है हमें दोनों ही आयताकार हैं या फिर दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप्स हैं एक शेप है 200 मिलीमीटर, mm, एक शेप का एरिया है 200 मिलीमीटर स्क्वायर और दूसरी शेप का एरिया है तीन सेंटीमीटर स्क्वायर जल्दी से जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे काफी बच्चों का सही आंसर है ऐसे काफी बच्चों का सही आंसर है जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे 20 सेकंड और वेट करते हैं फिर से सॉल्व करेंगे 20 सेकंड और वेट करते हैं 20 सेकंड और वेट करते हैं फिर से सॉल्व करेंगे 20 सेकंड और वेट करते हैं दो शेप्स गिवन है हमें 200 mm स्क्वायर और 3 cm स्क्वायर के एरिया की कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को सर ये रहा है आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को क्या सर देखिए अगर आप म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को अगर आप बीच में बोलते हो तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है नो सर ये एंगोरा रहा है ठीक है तो अभी आप इसको अनम्यूट मत करना मैं आपको म्यूट कर रहा हूं क्या सर चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं अभी अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकता है लेकिन केवल वही बच्चा आंसर करेगा जो पोल सेक्शन में नहीं कर पाया है देखिए हमें क्या दिया हुआ है हमें दो शेप्स दी हुई है जिसमें से एक शेप का एरिया है 200 मिलीमीटर स्क्वायर और दो दूसरी शेप का एरिया है तीन सेंटीमीटर स्क्वायर अब अगर आप देखोगे तो दोनों की यूनिट्स ही अलग अलग है एक की यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर दूसरे की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम इन दोनों ही क्षेत्रफल को या फिर दोनों ही को डायरेक्ट एड नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि 200 सौ प्लस तीन बराबर दो हमने कर दिया ये इस तरीके से तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था और हमने आज की क्लास में भी पढ़ लिया कि दोनों ही यूनिट सेम होनी चाहिए तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सोल्व करने से पहले अगर आप थोड़े से अपने ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में आप देखोगे कि सारी ही यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में है सारी ही यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस मिलीमीटर स्क्वायर को इस मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मिलीमीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो चलिए इस मिलीमीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो अगर आपको रिलेशन ध्यान होगा, तो एक मिलीमीटर स्क्वायर में एक मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्, देखिए रिलेशन अगर आपको ध्यान हो, तो सौ मिलीमीटर स्क्वायर जो होता है अगर मैं कहूं दस मिली, सॉरी सो सौ भी नहीं दस मिलीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं या फिर इससे पहले भी आप ये बताइए इस, इसको इस तरीके से ना लिख के इसे इस तरह से लिखते हैं

एक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कुछ नहीं किया मैंने बस जस्ट इसको रिवर्स करके लिखा है यह होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर में सो मिलीमीटर स्क्वायर मैंने बस इसको रिवर्स करके लिख दिया कि सौ मिलीमीटर स्क्वायर में एक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है मुझे निकालना कितना है दो सौ मिलीमीटर स्क्वायर में अब अब आपको कॉमेंट में यह बताना है कि अगर सौ मिलीमीटर स्क्वायर में एक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो दो सौ मिलीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे तो दो सौ मिलीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे 200 मिलीमीटर mm स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे वेरी गुड वेरी गुड सभी बच्चों का सही आंसर है बिल्कुल दो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो देखिए हमारा एरिया एरिया की हमारा क्षेत्रफल क्या गया? One हमारा आ गया एरिया वन का हमारा क्षेत्रफल आ गया दो सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया टू का या फिर दूसरे एरिया का हमें क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा टोटल एरिया क्या आ जाएगा टोटल एरिया या फिर अगर मैं बात करूं कुल क्षेत्रफल तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा यह वाला टू टू सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर तो यह आ जाएगा हमारा पांच सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सही आंसर है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यह समझ में आया सभी बच्चों को कि यह कैसे आया फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, तो वो करके भी पूछ सकते हैं। यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था सर होमवर्क हाँ होमवर्क मैं देता हूँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले लीजिये पॉलिस नहीं पता सर नहीं। क्या नहीं पता सॉरी दोबारा बताइए पोल सेक्शन जो आप कह रहे हैं ना उत्तर भेजो उन पे अच्छा आपको पोल सेक्शन का नहीं पता है यस सर आपने पहली बार आज पहली क्लास ज्वाइन की है क्या नो सर ये रोज लेती है मेरी सिस्टर ठीक है मैं अभी बताता हूँ कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं उससे पहले मैं एक बार होमवर्क बता देता हूँ कि आपको होमवर्क क्या करना है तो आपको मेरी आपको मेरी अभी स्क्रीन दिखेगी आपको मेरी स्क्रीन पे वर्कशीट दिख रही होगी yes, तो आपको वर्कशीट नंबर थर्टी थ्री या फिर तैतीस में यह सॉल्व करने हैं एक तो वर्कशीट नंबर तैतीस यह आपकी है आर एम जीरो नाइन समानता चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल वाली शीट है जो उसमें कॉन्सेप्ट वन आपको सोल्व करना है वर्कशीट नंबर थर्टी थ्री में कंसेप्ट वन वैसे की सोल्व किया हुआ है यह आप अगर पढ़ना चाहें तो थ्योरी के तौर पर आप पढ़ सकते हैं इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको सोल्व क्या करना है प्रश्नवाली एक पॉइंट एक सोल्व करनी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है फिर आप कॉन्सेप्ट टू में आपको देखेंगे तो कॉन्सेप्ट टू में कुछ आपको थ्योरी दी हुई है सोल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन्हें आप पढ़ सकते हैं सॉल्व आपको क्या करना है प्रश्नावली टू पॉइंट एक करनी है प्रश्नावली टू पॉइंट एक करनी है प्रश्नावली टू पॉइंट एक करनी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या क्या होमवर्क करना है यस सर ठीक है आपकी आज की क्लास यहीं तक थी आप जा सकते हैं एंड सुबे कुमार नाम से जो बच्चा है वो आप प्लीज रुक जाइए मैं आपको आंसर करना बता देता हूं बाकी बच्चे जा सकते हैं बाकी बच्चे जा सकते हैं